गाइस, वैसे तो हम इस वीडियो पे बात करेंगे स्पिरिट मूवी के बारे में, लेकिन सबसे पहले कुछ न्यूज़ है जो मैं आपको दे देना चाहूंगा, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बारे में बात करने के लिए मन कर रहा है। बात करेंगे केजीएफ चैप्टर टू मूवी के बारे में, जो कि केजीएफ चैप्टर टू को अभी नेशनल अवार्ड मिल चुका है, जो वीडियो अभी आपको देखने को मिल जाएगा रॉकिंग स्टार यश की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, मैंने वहां पे देखा और भी कई सारी जगहों पे अपलोड किया गया होगा। इसको होम वाले फिल्म्स में भी आ चुका रहेगा मेरे ख्याल से, लेकिन मैंने देखा रॉकिंग स्टार यश जी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहीं पे ही। तो वहां पे मुझे देखने को मिला और बेस्ट कन्नड़ा फिल्म के हिसाब से फिल्म को नेशनल अवार्ड अभी मिल चुका है। बहुत अच्छी बात है, ये प्राइड वाली फील है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर टू हम कितना एंजॉय कर रहे हैं और केजीएफ चैप्टर थ्री के लिए लिटरली हम कितना एक्साइटेड हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। और इस फिल्म को ये सम्मान मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। पुष्पा टू मूवी को लेकर के अपडेट देखने को मिला है कि फर्स्ट हाफ जो है एकदम से लॉक्ड हो गया है, उसको एकदम से कन्फर्म कर दिए हैं, बस उसको लोड करना बाकी है, उसको दिखाना बाकी है 6 दिसंबर को, और 6 दिसंबर को फिल्म बकायदा आएगा। ओके, और जिस तरह का पोस्टर, वो शेर है, वो सारा चीज आप जरा याद करो यार, टीजर को अगर आप थोड़ा अवॉइड करो तो कर दो, पर वेयर इज पुष्पा वाला जो वीडियो आया था ना, जहां पे पुष्पा को सब लोग ढूंढ रहे थे, पब्लिक पुष्पा के लिए रो रहे थे, और जो शेर को देख करके पुष्पा का जो धाकड़ देखने को मिला था वो वीडियो में, मैं उसको याद करता हूँ और पुष्पा टू मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। वो वाला वीडियो एकदम से लेवल पे गया था भाई, और फिल्म में शायद वो सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, तो पुष्पा टू मूवी का फर्स्ट हाफ जो है कंप्लीट हो चुका है, 6 दिसंबर को फिल्म आएगा बकायदा, 15 नवंबर को पुष्पा टू मूवी का ट्रेलर भी आ रही है। कितना एक्साइटेड भाई पुष्पा टू के लिए, कमेंट जरूर करना। चलिए अभी हम बात करते हैं स्पिरिट मूवी के बारे में। भाई आए दिन स्पिरिट मूवी का कुछ ना कुछ देखने को मिल ही रहा है, आगे चल करके क्या सच होगा क्या झूठ होगा, ये सारी अपडेट में से कौन सा अपडेट सही वाला है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चर्चा हर दिन चल रही है मेरे भाई। यहां से पता चलता है कि फिल्म का हाइप कितना है। अभी हर एक फिल्म है हमारे इंडियन सिनेमा में, जितने सारी फिल्में हैं ना, वो सारी फिल्मों को अगर आप कंपेयर के तौर पे देखोगे तो किसी फिल्म के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है तो वो फिल्म है स्पिरिट। कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में आनी है, SSMB 29, कल्कि 2, सलार 2, पठान 2, वर 2, रामायण, कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली है, लेकिन मेरे भाई स्पिरिट मूवी के बारे में जितना चर्चा हो रहा है, जितनी रूमर्स चल रही हैं, जितनी लोगों के जो डिस्कशन जो होता है, जितना हो रहा है ना, किसी और फिल्म को लेकर के मुझे इतना देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्पिरिट मूवी का हाइप वहीं से पता चल रहा है। और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म है, डार्लिंग प्रभास को लेकर के पुलिस अफसर वाला फिल्म है ये, तो क्या कलेक्शन कर सकता है फिल्म, क्या धाकड़ मचा सकती है, Day 1 कलेक्शन कहाँ तक जा सकती है ये सोच के बाहर है। RRR का रिकॉर्ड स्पिरिट डेफिनेटली तोड़ेगा, ये मेरा दिली बिलीव है। अभी चलिए बात करते हैं स्पिरिट मूवी के अपडेट के बारे में। अपडेट ये है कि डार्लिंग प्रभास को लेकर के काफी सारे रूल तैयार करे हैं संदीप रेड्डी वांगा, काफी सारी चीजों को लेकर के डार्लिंग प्रभास को अभी उनके ऊपर थोपा गया है कि आपको ये करना है डार्लिंग प्रभास, आपको ये करना है वो करना है, और बहुत सारी चीजों में डार्लिंग प्रभास अभी एग्री कर चुके हैं। अभी उनकी जो चल रही है शूटिंग वगैरह, फौजी मूवी का शूटिंग वगैरह, ये सारा कुछ खत्म करके डार्लिंग प्रभास जो है बहुत सारे रोल को अपनाएंगे और स्पिरिट मूवी के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये कोई बाहुबली का तो सीन नहीं चल रहा है ना, कि जब ऐसे ऐसे बाहुबली में एकदम से अलग तरीके से प्रभास को प्रेजेंट कर दिए थे SS राजामौली, कुछ इस तरह का तो काम नहीं है। इसी वजह से स्पिरिट मूवी डिले तो नहीं हो रहा है। फौजी मूवी जो है उनका 25वां फिल्म है, 25th फिल्म जो है फौजी हो गया अभी, और 26 या 27 फिल्म जो है स्पिरिट मूवी को टाइम दे दिए हैं, तो टाइम देने का क्या मतलब हो सकता है। मतलब जो हम अलग तरीके का प्रभास को देखने की जो ख्वाहिश है संदीप रेड्डी वांगा, शायद वो पूरा करेंगे। उनके लुक के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर काफी सारी चीजों को लेकर के बहुत सारा रोल बनाए हैं और बहुत सारे रोल को अपनाएंगे डार्लिंग प्रभास दिसंबर से, दिसंबर जनवरी से बोला जा रहा है शूटिंग से पहले। ओके, मजा आएगा यार, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा कैसे अपने डार्लिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं वो देखने के लिए, लिटरली। ओके, और एक बहुत ही कड़क रूमर्स हम कह सकते हैं, बच हम कह सकते हैं, उड़ रही है, जैसे कि हाल ही में कल परसों हमें देखने को मिला था कि मलयालम सुपरस्टार मम्मुट्टी जो है वो इस फिल्म में नजर आएंगे, डार्लिंग प्रभास के मतलब हीरो के फादर वाले किरदार में नजर आएंगे बोल करके, और वो चीज को भी इतना ज्यादा वायरल किया गया, इतना इतने बड़े बड़े पेजेस में इतने सारे बड़े बड़े हस्तियां इसको ट्वीट करे, अपडेट दिए, जो कि सच लगता है कि स्पिरिट मूवी में मम्मुट्टी हो सकते हैं आज के डेट में, सॉरी
आज के डेट में हमें चिरंजीवी सर का नाम देखने को मिल रहा है कि चिरंजीवी सर भी इस फिल्म में होंगे। क्या यार, इतना बड़ा बड़ा सपना कैसे दिखा रहे हो यार। ओके, मम्मटी आएंगे, चिरंजीवी आएंगे, मॉडर्न युग की बात हो रही है, मतलब क्या नहीं हो रहा है यार। ओके, क्या सच में ये सच हो सकता है? चिरंजीवी सर सच में आ सकते हैं इस फिल्म में? आएंगे तो कौन सी किरदार होगा? ओके, किस तरह का किरदार होगा? भाई बहुत बड़ा बड़ा सपना है ये, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा बटोर रही है ये बात, इसी वजह से मैंने वीडियो पे बोल दिया। और ये मैं कह भी नहीं पा रहा हूं कि यस ऐसा हो सकता है बोल करके। खैर, अगर होता है ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा कि चिरंजीवी सर, डार्लिंग प्रभास को एक साथ देखने को मिलेगा, फिर मम्मटी उसमें होंगे। ओ भाई भाई भाई, बहुत कमाल का होगा। ओके, देखते हैं क्या हो रहा है आगे। वैसे फिल्म का अभी स्क्रिप्टिंग वर्क जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसका अपडेट तो ऐसा आ रहा है, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि इसके बारे में संदीप रेड्डी वांगा ही अच्छी तरह से जानते होंगे। प्री प्रोडक्शन काम भी उसके हिसाब से चल रही है और दिसंबर में फिल्म का पूजा सेरेमनी होगा, उसी टाइम पे हमें डार्लिंग प्रभास का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा और डार्लिंग प्रभास के बर्थडे पर 23 अक्टूबर को ऑडियो ग्लिम्स सुनने को मिलेगा। ऑडियो ग्लिम्स का अपडेट जो है वो 20 अक्टूबर को आ जाएगा। 23 अक्टूबर को ऑडियो ग्लिम्स, 20 अक्टूबर को उसका अपडेट, और जनवरी फरवरी से फिल्म का शूटिंग जो है इनिशियली स्टार्ट हो जाएगा। कुछ जगह पे समर भी बताया जा रहा है, मतलब मार्च अप्रैल तक भी फिल्म का शूटिंग जो है स्टार्ट होगा बोल करके भी बताया जा रहा है। ओके, और फिल्म जो है हमें 2026 या फिर 2027 तक देखने को मिलेगा। मोस्टली चांसेस है 2026 आखिरी चरण में हमें स्पिरिट मूवी जो है देखने को मिल रही है। आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि चिरंजीवी सर वाकई में स्पिरिट मूवी में हो सकते हैं या फिर नहीं, अगर होंगे तो कौन सा किरदार हो सकता है उनका, जरूर कमेंट करना।